हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन सेंटर बेथ पीजी में फिर से आपका स्वागत है न्यू अपडेट के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए रुक करते हैं ऑर्नेस फैक्ट्री की तरफ, जो 10 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप लोग को एक हम नोटिफिकेशन पहले ही दे दिए थे कि आपको 10 तारीख से आपको ऑर्नेस फैक्ट्री का ऑनलाइन स्टार्ट होगा, जो कि लिंक को अब एक्टिवेट कर दिया गया है। 10 तारीख से इसका लिंक जो है आपका एक्टिवेट कर दिया गया है। आइए देखते हैं इस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। पहले अपना आधार कार्ड, पहले अपना देखिए, पहले हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ध्यान रखिएगा, जब रजिस्ट्रेशन के समय आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप रखिएगा जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। सबसे बड़ा महत्व आपको ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको पास में होना चाहिए, जो कि कंफर्म होना चाहिए आपको, ठीक है। मोबाइल पर आपका मैसेज करेगा, ठीक है, पासवर्ड के साथ। उसके बाद आप न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए सेकेंड के पार्ट और चलते हैं। आधार कार्ड डालिए और कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बड़े निशान, आपका 2 बार आपको बड़ी का निशान इसमें आपको डालना है, ठीक है। एड्रेस अपना फिलअप करिए, भोजपुर बिहार जो भी है आपका एड्रेस इस पर फिलअप कर देना है। और नन आईटीआई के एक्स आईटीआई हैं, जो एक्स आईटीआई होंगे तो आप एक्स आईटीआई डालेंगे, अगर नन आईटीआई होंगे तो आप नन आईटीआई डालिएगा। और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा फैक्ट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं। इस फॉर्म को ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री ऑफ द अप्लाइड, जो कौन सा फैक्ट्री में आप लोग अप्लाई करें, जो आप उसमें आप सीट पहले देख लीजिए, आप लोग सीट देखिएगा, ठीक है, कहाँ आपका सीट अधिक है वहाँ पर आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, आप कौन कौन सा आपका ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, ये ऑनेस्ट फैक्ट्री जो मेढक है, जो हैदराबाद का, जो कि इसमें आपको 4 पोस्ट नन आईटीआई पर दिया जाए, यानी कि मैट्रिक पास पर जो लड़के हैं उनके लिए आपको 4 इसमें आपको पोस्ट बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद कौन कौन सा आपका फिटर रजिस्ट्रेशन जो भी होगा, आप ऑनेस्ट फैक्ट्री सेलेक्ट करने के बाद ही आपको मालूम चलेगा, नहीं तो प्रैक्टिस उठाकर आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नीचे में आते हैं तो बोर्ड का नाम, स्कूल के नेम, पासिंग ईयर, मैट्रिकुलेशन नंबर, जो सर्टिफिकेट पर आपका नंबर होगा वो डालना है आपको, रोल नंबर आपको, और मार्क्स अपडेट जो आपका तीनों जो आपका साइंस होगा उसमें आप डालना है, साइंस में कितना है आपको टोटल आपको डालना है, सही में आपका मान लीजिए 65 है तो 65 डालिएगा, मैथ में आपका, ठीक है, कितना है आपको साइंस और मैथ दोनों पूछ रहा है आपको, ठीक है। और उसके बाद इस टोटल मार्क्स को आपको डाल देना है, उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक बार फिर से आप फॉर्म को जांच कर लीजिएगा, ठीक है, जांच अच्छी तरह से करिए, कहीं मिस्टेक आपको ना हो। एक बार सबमिट होने के बाद फिर आपका फॉर्म को सुधारा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कंफर्म और एडिट करने का ऑप्शन आपको दिया गया है, ध्यान रखिएगा आपका जो है यहाँ पर कंफर्म, ठीक है, और एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। एक बार और चांस आपको दिया जा रहा है मिलाने के लिए, अच्छी तरह से आप लोग मिला लीजिएगा, आपको हम कंफर्म कर दे रहे हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट लिया जाएगा, ठीक है, मेकअप पेमेंट आपका होगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद ध्यान रखिएगा, पेमेंट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जो होगा जो आपका डॉक्यूमेंट होगा जो आप लोग का डॉक्यूमेंट है, 100 रुपये का आपका पेमेंट है, ध्यान रखिएगा 100 रुपये का आपका पेमेंट है। इसके बाद जो आपका फॉर्म का आगे होगा तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट डालिएगा, अगर मैट्रिक का मार्कशीट आप डालिएगा तो मैट्रिक की मार्कशीट आपका अपलोड किया जाएगा, और ऊपर से आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो कास्ट ले लीजिएगा, और आपके पास OBC होंगे, यानी आपके पास जाति मान लीजिए है तो ठीक है, OBC होगा तो OBC आप डाल दीजिएगा इस फॉर्म में। और जिनके पास अगर ITI सर्टिफिकेट है, ITI है तो वो भी
जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड है, जो न्यू कैंडिडेट होंगे इन ध्यान रखिएगा, अपना अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, अगर आया होगा तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है, अपना सर्टिफिकेट लेकर, नहीं है तो आप अप्लीकेशन लिख कर अपना दे दीजिएगा, अगर टीचर आपको दे रहे हैं तो ठीक है, जितना जल्दी आपको पास समय भी है, ठीक है, 10 दिन 20 दिन का समय आप लेकर अपना ITI का सर्टिफिकेट ले लीजिए, ताकि इसमें अच्छा मौका है आप लोग का इस अप्रेंटिस करने के लिए, ठीक है, जो कि टोटल पोस्ट आपको 6060 पोस्ट है आपको, ठीक है, अच्छा मौका है आप लोग के लिए अप्रेंटिस करने के लिए, कोशिश करिए कि आप लोग ITI ही फॉर्म डालिए, जो कि साथ में आपका फॉर्म जो होगा एक्सपीरियंस भी आपका, जिनके पास अगर ITI है तो ITI ही पर फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है, साथ में आपका एक्सपीरियंस होगा, आप लोग कुछ भी करके अपना सर्टिफिकेट को निकाल लीजिएगा, कोशिश करिए कि आपका सर्टिफिकेट निकल जाए, ठीक है, नहीं होगा तो आप नॉन ITI पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, थैंक्स।